हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्जाम चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रिज हुआ है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रिज कब हुआ है? पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रिज 13 दिसंबर को हुआ है। 13 दिसंबर को क्या इंपॉर्टेंट था? 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट अटैक हुआ था जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के द्वारा, ठीक है ना। और इसी के ठीक 22 साल बाद इस बार 13 दिसंबर 2023 को सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। पार्लियामेंट को वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट और मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि यहाँ वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत लेयर्ड में होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे, और कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, वो लोग कब से कर रहे थे, क्या ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, ये सारा कुछ हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए, दो लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसे लोकसभा चैम्बर में वेडनेसडे दिसंबर 13 को, और वो लोग कुछ येलो स्मोक कैनिस्टर था वो लोग ओपन कर दिए। अब देखिए ये क्या हुआ, पार्लियामेंट का जो एंट्री है, पार्लियामेंट को तीन लेयर का सिक्योरिटी होता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट के तीन लेयर का सिक्योरिटी है। पहला लेयर का सिक्योरिटी कौन करता है? पहला लेयर दिल्ली पुलिस, दूसरा लेयर सेंट्रल सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि अभी ये सीआरपीएफ के जिम्मे है, सीआरपीएफ इससे इसके सिक्योरिटी को देखता है। और जो अंतिम लेयर जो है, तीसरा लेयर जो है, वो करता है कौन? पीएसएस, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस में सारे जो एजेंसीज हैं उनसे सिलेक्टेड मेंबर होते हैं, और इसको कौन देखता है? इसके हेड होता है सेक्रेटरी रैंक का, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का पार्लियामेंट का ऑफिसर रहता है, और यहाँ इसका सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट में ही है, ये इसके सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं। तो जब पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट का में जो विजिटर्स गैलरी है वो ऊपर में रहता है, और यहाँ पे आपके पीएसएस के ऑफिसर्स और पीएसएस के जवान होते हैं, और यहीं पास से ये लोग जंप लगा दिए। इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि पिछला जो पार्लियामेंट था पुराना वाला, उसमें जो विजिटर गैलरी का जो गैलरी वो दीवार था वो थोड़ा बड़ा बड़ा था, इस बार थोड़ा छोटा कर दिया गया हाइट, इसलिए ये लोग इजिली कूद गए। अब बात आता है कि ये तीन लेयर का सिक्योरिटी होने के बाद भी ऐसा कैसे हुआ? तो तीन लेयर का सिक्योरिटी है क्या? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि तीन लेयर का सिक्योरिटी क्या है। तो देखो, पहला लेयर का सिक्योरिटी जो दिल्ली पुलिस है, वहाँ पे आपका सारा सामान रख लिया जाएगा, मोबाइल हुआ, बैग हुआ, सब कुछ, पेन, पेंसिल, इवन कि ब्लैक रुमाल तक आप नहीं ले जा सकते, वो सारा कुछ वहाँ पर रख लिया जाता है। उसके बाद जब आप सेकेंड लेयर पे जाओगे तो वहाँ पे आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन, सब सारा कुछ जाँच होगा, फिर से जाँच होगा, आपका जो जो ये क्या बोलते हैं, इमेजिंग जो होता है, फोटो इमेजिंग, वो सबसे जाँच होता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या किए थे कि ये लोग पहले से ही रेकी कर रहे थे, और ऐसा बोला जा रहा था कि ये लोग बजट सेशन में आए थे पार्लियामेंट, एक इसमें से बजट सेशन में आया था पार्लियामेंट, और वो ये देखा कि सूज को चेक नहीं किया जाता है, सूज है उसको चेक नहीं किया जाता। और ये लोग दूसरा क्या, ये लोग प्लास्टिक के डब्बे में लेकर आए थे, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो मेटल डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो प्लास्टिक है तो उसको मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और ये लोग उसको शू में छुपा के आए थे। और ये लोग देखें कि किसी भी लेयर पे, तीनों लेयर में सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा चेक हो रहा है, लेकिन कहीं पे सूज को कोई नहीं देख रहा, सूज के अंदर भी कुछ सामान रखा हुआ, ऐसा सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं सोच रहे थे, और वहाँ पे ये चेक नहीं होता था। इसका ये लोग फायदा उठाएं और ये लोग ब्रीच कर गए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है, विजिटर्स कैसे जाते हैं पार्लियामेंट में, क्या उनका प्रोसीजर है। तो मेंबर जो होते हैं विजिटर्स, वो मेंबर्स कैन अप्लाई फॉर विजिटर्स कार्ड ओनली फॉर इंडिविजुअल्स वेल नोन टू देम पर्सनल। देखो, आप पार्लियामेंट में तभी विजिट कर सकते हो जब आपका जो विजिटर पास होगा उस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का साइन होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अगर आपको ऑथराइज किया जाता है तभी आप एज ए विजिटर वहां जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जाओगे। और मेंबर्स उसी को विजिटर्स का कार्ड अप्लाई देता है जिसको वो पर्सनली जानता है, क्योंकि वो एक एफिडेविट देता है। जब पार्लियामेंट में विजिटर के लिए एप्लीकेशन जाता है पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सिग्नेचर के साथ, तो वहां पे वो एक एफिडेविट देते हैं कि हम इसे पर्सनली जानते हैं। क्या सर्टिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होता है, तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि जो हम एवं नाम जो विजिटर का है वो मेरा रिलेटिव है या पर्सनल फ्रेंड या नोन टू मी पर्सनली, वो हमारे द्वारा उसको हम पर्सनली जानते हैं, इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा पर्सनली है और हम इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इस बार जो विजिटर्स गया था वो किसके द्वारा गया था, कौन से साइन कौन किए थे, प्रताप सिम्हा के द्वारा साइन किया गया था इस पर, ठीक है ना। और ये लेते हैं, कार्ड जो होता है गैलरीज का वो ऑर्डिनरली इशूड होता है सिंगल सेटिंग के लिए, और ये कितने घंटे के लिए होता है, एक घंटा के लिए होता है, ठीक है ना। बस एक घंटा के लिए आपको पार्लियामेंट में अलाउड होता है, और वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है।
क्योंकि आपका फोटो ये सारा कुछ उसमें लगाया जाता है, ये बिल्कुल ट्रांसफरेबल नहीं होता और ये होल्डर को कंडीशन पे इसना पे जाता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ इसमें होता है, यही यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और अगर हम देखें तो सिक्योरिटी रीजन से विजिटर्स को ये अपना एक फोटो आइडेंटिफिकेशन भी ले जाना पड़ता है साथ में सर्टिफिकेशन के लिए। और सेम टू सेम रूल्स राज्यसभा के लिए भी है, राज्यसभा में भी सेम रूल अप्लाई होता है। तो और इसके बाद अगर सिक्योरिटी का बात करें, वहाँ पे कैसे सारा सिक्योरिटी होता है, तो लोकसभा या राज्यसभा का सिक्योरिटी सारा कुछ वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है। जैसे अगर हम लोकसभा का बात करें तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस वहाँ पे है, जो वहाँ पे किसी भी स्ट्रेंजर को वहाँ से हटा सकता है या विड्रॉ कर सकता है एडमिशन को, और ये सारा लोकसभा स्पीकर के जिम्मे होता है। जैसे आप बात करें रूल 386, इसमें एडमिशन ऑफ स्ट्रेंजर, किसी भी स्ट्रेंजर को हम वहाँ पे ला सकते हैं मेंबर के थ्रू, मेंबर उसको रेगुलेट करते हैं और वो स्पीकर के द्वारा सारा कुछ होता है। कुछ स्पेशल गेस्ट जो होते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा लाए जाते हैं। और रूल 387 क्या है, इसमें स्ट्रेंजर का विड्रावल है, किसी भी टाइम अगर लोकसभा के स्पीकर चाहेंगे तो लोकसभा से पार्लियामेंट से किसी को भी एट ए मोमेंट हटा सकते हैं। और इसी के थ्रू आपका क्या होता है, प्राइवेट सीटिंग। अगर प्राइवेट सीटिंग का हम बात करें तो प्राइवेट सीटिंग में कोई भी विजिटर्स गैलरी में कोई भी अलाउड नहीं होता है, वो रूल 87 के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। रूल 387, रूल 387 क्या है, किसी को भी अपने कस्टडी में लेना, किसी भी स्ट्रेंजर को कस्टडी में लेना, ये रूल 387 के द्वारा है। अगर कोई पार्लियामेंट कुछ गलत कर रहा है या पार्लियामेंट कुछ वैसा कर रहा है तो उसको यहाँ से कस्टडी में लिया जाता है, और उसको यहाँ पे तुरंत कस्टडी में लिया जाएगा स्पीकर के द्वारा। और वो किसी एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, सेक्रेटरी ऑथराइज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ स्पीकर, और वो उसको कस्टडी में लेगा। तो इसी में के लिए क्या बनाया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है सिक्योरिटी पे और पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, जो कि सारा कुछ देखता है। और इसको हेड कौन करते हैं, इस कमेटी को लोकसभा के स्पीकर के द्वारा हेड किया जाता है, ठीक है। तो अब बात आता है कि ये क्यों, ये ब्रिज क्यों हुआ, पार्लियामेंट ब्रिज क्यों, सिक्योरिटी ब्रिज क्यों हुआ। तो ये जो चार लोग जो ब्रिज के थे, दो बाहर आउटर और दो इनर गए थे, तो ये लोग क्या बोले कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, हम अनएम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट का तानाशाही है, वगैरह वगैरह बोल के करें। देखो हम मानते हैं कि हमारे पास आर्टिकल 19 है, हम सारा गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन के लिए सारा कुछ है, बट ये हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है। ध्यान रखिए, ये एब्सोल्यूट नहीं है, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये चारों जो, इन चारों पे दिल्ली पुलिस जो है वो अलग अलग धारा, जैसे इन चारों पे क्या लगा है, UAPA लगा है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, टेरोरिस्ट का पूरी तरह से टेरोरिज्म का इन पे लग गया है, एंटी टेरर लॉ लग गया, यानी कि एक तरह से लोग टेरोरिस्ट बन गए ना, इनका तो कैरियर खत्म हो गया, अब इनको कहीं जॉब तक नहीं मिलेगा, तो ये तो अपना कैरियर खुद। और ये लोग जो हैं, ये लोग हाईली एजुकेटेड, इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा है। देखो हम ये नहीं बोल रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप ऐसा स्टेप ले लो, आप इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले सकते हो। और इसमें सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ है, सिक्योरिटी लैपसेज भी है, जैसे कि ये लोग पिछले एक साल से प्लानिंग कर रहे थे, सब अलग अलग जगह के हैं, एक बिहार का है, एक हरियाणा का है, एक यूपी का है, तो एक कर्नाटका का है, एक महाराष्ट्र का है, एक दिल्ली का है, यानी कि ये सब अलग अलग रीजन के हैं। ये सब पिछले एक साल से सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे, ये सब पहले भी पार्लियामेंट का रेखी कर चुके थे, और हमारे सिक्योरिटी एजेंसी जो है, हमारे इंटेलिजेंस जो है, इसको आज तक पता कैसे नहीं चला, यानी कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब बात होता है कि इसको आगे करना क्या चाहिए, क्या कैसे। तो सबसे पहले तो होम मिनिस्ट्री जो था, होम मिनिस्ट्री क्या किया, होम मिनिस्ट्री लोकसभा स्पीकर के रिक्वेस्ट पर एक हाई लेवल कमेटी बनाया है, जिसको हाई लेवल कमेटी बनाया है, और इसको हेड कौन कर रहे हैं, इसको हेड कर रहे हैं CRPF के DG। CRPF के DG अभी कौन है, अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह जो है ये इसको अभी क्या कर रहे हैं, इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे एजेंसी के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो सारा कुछ देखेंगे और ये रिकमेंड करेंगे कि और क्या सिक्योरिटी में करना चाहिए। उसके अलावा अभी विजिटर्स को बैन कर दिया गया है इनडेफिनिट टाइम के लिए, और साथ ही जो पार्लियामेंट का जो वॉल है उसको और बड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पे और क्या है, PSS जो है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी जो है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज जो है, इसको और सेंसिटिव बनाया जरूरत है, और वहाँ पे और ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर इतना हार्ड स्टेप कोई क्यों उठा रहा है, भले गवर्नमेंट बोले कि ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। अब इन लोगों को जो 13 दिसंबर चुने, इसको नहीं चुनना चाहिए था,
13 दिसंबर को आप हाई लाइमलाइट होने के लिए, क्योंकि इसी दिन आपको याद होगा जो खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट है, खालिस्तानी एक्टिविस्ट नहीं बोलेंगे इसको, खालिस्तानी टेररिस्ट बोलेंगे, खालिस्तानी टेररिस्ट जो गुरविंद सिंह पन्नू जो है, वही बोला था कि हम 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे, करवाएंगे। तो हो सकता है बाद में ये भी बोलता है कि ये मेरे आदमी है करवाए, तो अपना वाहवाही लूट लेता। ये सब होता है, बहुत सारे हमारे यहाँ एंटी इंडियन जो हैं, एंटी इंडिया के खिलाफ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ऐसे ताक के लिए। तो आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये सारा कुछ है। गवर्नमेंट को भी ये सब ध्यान देना कि आप एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट लाओ, लोगों को रोजगार का प्रयास करें, लोग इतना हार्श स्टेप ना उठाएं, इस तरह है। और पब्लिक को भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए। आप आपके पास और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। आप इस तरह से आप पार्लियामेंट में घुस जाओगे, आप एक तरह से आपको जॉब के लिए आप बोल रहे हो और आप टेररिस्ट बन गए, आप गए थे जॉब के लिए आप बन गए टेररिस्ट। तो ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही है। तो अभी क्या हुआ है अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी जो है विजिटर्स को बैन कर दिया गया है। विजिटर कैसे आते हैं? विजिटर एमपी के रिकमेंडेशंस पे पार्लियामेंट सेक्रेटरी उनको पास अलाउ करता है, ये सारा कुछ होता है, ठीक है ना। उनका बहुत सारा सिक्योरिटी चेकअप होता है सारा कुछ। और अब एक नया वहाँ पे किया जा रहा है, फुल बॉडी चेकअप का स्कैनर लाया जा रहा है जिसमें सू ये सब सब कुछ चेक होगा, एक्सरे मशीन लाया जा रहा है। तो इस तरह से सारा प्रोसेस होगा। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।